हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक था ईगो स्टेट से नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, ट्रांजैक्शन। बेसिकली हम ट्रांजैक्शन एनालिसिस शुरू कर चुके हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसका मीनिंग डिस्कस कर चुके हैं, फीचर्स डिस्कस कर चुके हैं। अब उसमें हमने आगे क्या टॉपिक शुरू किया हुआ था, आप लोगों ने अगर आपको याद हो, हम लोगों ने अभी ईगो स्टेट के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हमने शुरू किए थे मॉडल्स ऑफ ट्रांजैक्शन एनालिसिस या उसके कंसेप्ट। तो इसमें हमने ईगो स्टेट को ऑलरेडी कवर कर लिया, अब हम किस चीज़ को कवर करने वाले हैं, ट्रांजैक्शंस को। ट्रांजैक्शन मैंने आपको बताया था कि दो पार्ट्स होते हैं ट्रांजैक्शन के, एक होता है स्टिमुलस और दूसरा होता है आपका रिस्पॉन्स। स्टिमुलस कौन देता है, जो ए है, जो ट्रांजैक्शन को शुरू करने वाला है वो क्या करेगा, स्टिमुलस देगा, मतलब ही इज़ द फर्स्ट वन हु इज़ टॉकिंग, जो कॉन्वर्सेशन शुरू करता है वो स्टिमुलस पास करता है। और फिर सेकेंड पर्सन जो होता है वो रिप्लाई करता है, उस रिप्लाई को हम क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्स। ये कौन होता है, रिस्पॉन्डेंट, जो आपकी कम्युनिकेशन हो रही है उसमें जो रिस्पॉन्स आ रहा है, रिस्पॉन्डेंट रिस्पॉन्स देने वाला होता है, और स्टिमुलस देने वाला कौन होता है, जो इनिशिएटर होता है। दोनों को अगर हम लिंक करें ईगो स्टेट के साथ उस कोर्स ऑफ एक्शन में, तो दोनों पार्टीज की पर्टिकुलर ईगो स्टेट के बारे में हमें पता लगता है। अब ट्रांजैक्शनल एनालिसिस कैसे काम कर रहा है, वो आपको ये बताता है किस ईगो स्टेट में एक पर्सन है इस टाइम पे, जब स्टिमुलस और रिस्पॉन्स काम कर रहे हैं। इसमें ये बताया जाता है क्यों एक इंडिविजुअल एक पर्टिकुलर ईगो स्टेट में कैसे बिहेव कर रहा है, और रिपीटेडली अगेन एंड अगेन वो कैसे बिहेव करने वाला है। इसमें आप अवेलेबल करवाते हो तीन ईगो स्टेट हमारे पास हर टाइम अवेलेबल होती है एक इंडिविजुअल के अंदर। वो पर्टिकुलर ईगो स्टेट जो होती है वो जो ज़्यादा पावरफुल होगी जिस टाइम पे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, इफ़ आई एम टॉकिंग टू माई डॉटर एंड शी ऑब्जर्व्स मी सो केयरफुली, तो जो कई बार क्या होता है, शी बिहेव सो मैच्योरली, मैं सोचती हूँ कि इतने छोटे बच्चे के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनना, क्योंकि दैट टाइम शी इज अ रिस्पॉन्डेंट एंड शी इज इन द स्टेट ऑफ पेरेंट चाइल्ड ईगो, सॉरी पेरेंट ईगो स्टेट। तो क्या होता है, आप इसमें एज अ मैनेजर जब डील करते हो अपने सब ऑर्डिनेट के साथ, तो वो सामने वाला बंदा किस ईगो स्टेट में है उसके मुताबिक आपको रिस्पॉन्स मिलता है। अब जब हम इसमें ट्रांजैक्शंस के बारे में बात करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री भी रहेगा, क्रॉस्ड भी रहेगा और अल्टेरियर भी रहेगा, उन सब के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये सुन लेना कि इसमें बोलता क्या है वो ईगो स्टेट के बारे में। हमारे पास बहुत सारे तरह की ईगो स्टेट अवेलेबल होती है एक इंडिविजुअल के अंदर, बेसिकली तीन होती हैं, बहुत सारी नहीं होती हैं। जब भी हम एक पर्टिकुलर ईगो स्टेट में हम ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो टू ईगो स्टेट हमारी काम करती हैं, आप उसी ईगो स्टेट के मुताबिक बिहेव करेंगे जो ज़्यादा स्ट्रांगर होगी एक टाइम पे। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि एडल्ट ईगो स्टेट जो है वो सब में बेटर है पेरेंट और चाइल्ड के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल जो है वो पेरेंट ईगो में है तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करेगा, और अगर वो चाइल्ड ईगो स्टेट में है तो वो बहुत चाइल्डिशली रिएक्ट करेगा और उसकी जो बातें होंगी वो बहुत बचकानी होंगी। तो इसका मतलब अगर बैलेंस्ड वे के बारे में बात की जाए, या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें बंदा, जो इंसान है वो सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड होता है, वो होती है आपकी एडल्ट ईगो स्टेट। इसमें जो पर्सन है उसकी पर्सनालिटी एडल्ट ईगो की अच्छे से खुल के आती है, और वो एक बहुत अच्छे लेवल पे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स को लेना और देना करते हैं, बेसिकली मतलब बेटर बिहेवियर डिस्प्ले होता है इसके अंदर। अब देखो टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है आपका कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन। कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था आपको वैसा ही अगर रिस्पॉन्स मिलता है उसी स्टेट में, उसी ईगो स्टेट में अगर आपको रिस्पॉन्स मिलता है तो वो एक कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन होता है। इसके अंदर बेसिकली जो ट्रांजैक्शन रहेगा वो पैरेलल लाइन के अंदर रहेगा, जो आपका स्टिमुलस और रिस्पॉन्स है वो हमेशा पैरेलल लाइन में आता है। इसके अंदर आपने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा ही ट्रांजैक्शन हुआ और आपको रिस्पॉन्स भी वैसा ही मिला। जैसे पेरेंट चाइल्ड ट्रांजैक्शन, जो मैनेजर है वो इस टाइम पे पेरेंट ईगो स्टेट में है और उसको पता है जो उसका सबऑर्डिनेट है दैट इज इन द स्टेट ऑफ चाइल्ड। जब उसने कोई भी स्टिमुलस पास किया और उसको पता था कि उसका जो रिएक्शन आएगा वो ऐसा ही आएगा, तो इस सिचुएशन में हमने कॉम्प्लीमेंट्री ट्रांजैक्शन किया। कैसे हुआ, एक इंडिविजुअल जो था वो एक मैनेजर की अगर मैं बात करूँ वो कौन सी स्टेट में था, पेरेंट ईगो स्टेट में, और जो उसने मैसेज पास किया दैट इज स्टिमुलस, जो वो मैसेज उसको दे रहा है वो क्या है आपका एस मतलब स्टिमुलस। और उसके बाद जो सेकंड पर्सन है उसने जो उसको रिस्पांस दिया दैट इज चाइल्ड ईगो स्टेट, इन्होंने जो रिस्पांस दिया ये चाइल्ड ईगो स्टेट में सबऑर्डिनेट और इनका आर इज रिस्पांस। तो इस सिचुएशन में वो कौन सी ईगो स्टेट में है, अगर हम बात करें चाइल्ड ईगो स्टेट में रिस्पांस जो आया अदर पर्सन का वो चाइल्ड ईगो स्टेट से ही आया,
तो ये कैरेक्टरिस्टिक होती है इस ट्रांजैक्शन का कि दोनों पार्टीज ने सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन, इसने एक्सपेक्ट किया था ऐसा आएगा, इसने एक्सपेक्ट किया था ऐसा ही आएगा। तो ये वो ट्रांजैक्शन होता है जहाँ पे इन लोगों को मालूम होता है कि स्टिमुलस कौन से ईगो स्टेट में आएगा और जो स्टिमुलस पास करा उसको पता होता है कि रिस्पॉन्स कौन से ईगो स्टेट में आएगा। इससे बेसिकली क्या बोलने की कोशिश करता है, वो कहते हैं ये ट्रांजैक्शन को हमेशा कैसा ट्रीट किया जाता है, इस ट्रांजैक्शन को एक आइडियल ट्रांजैक्शन ट्रीट किया जाता है जब बोथ मैनेजर एंड सबऑर्डिनेट रिमेन सैटिस्फाइड। इनमें दोनों के दोनों जो होते हैं वो बहुत ही सैटिस्फाइड होते हैं। मैनेजर है वो खुश है क्योंकि उसने जैसा सोचा था सबऑर्डिनेट उसी सिचुएशन में है और वैसा ही उसको रिस्पॉन्स मिला। लेकिन इससे सक्सेस बहुत लंबे टाइम तक नहीं मिलता है। इसमें बेसिकली सिचुएशन कौन सी होती है, यस मैन, जो चाइल्ड ईगो स्टेट में रहेगा वो फॉलोअर रहेगा, फॉलोअर रहेगा तो उसकी कोई डेवलपमेंट नहीं होगी, डेवलपमेंट नहीं होगी तो उसको जो ऑर्डर दिया जाएगा वो उस ऑर्डर को फॉलो करता जाएगा। दूसरा होता है आपका एडल्ट ट्रांजैक्शन। इसमें क्या होता है, जो मैनेजर होता है वो कौन से लेवल पे होता है, एडल्ट पे, और जो सबऑर्डिनेट होता है वो किस में होता है, वो भी एडल्ट वाली सिचुएशन में ही होता है। यहाँ से स्टिमुलस पास होगा, रिस्पॉन्स वैसा ही मिलेगा। ये सबसे आइडियल सिचुएशन है, मैंने आपको पहले भी बताया था। दोनों अगर इसी सिचुएशन में या इसी ईगो स्टेट में है तो दोनों बहुत ही इंटेलिजेंटली बिहेव करते हैं इसमें, और जो डिसीजन लिया जाएगा वो थॉरो कंसिडरेशन से लिया जाएगा, बहुत सोच समझ कर विचार करके एक ट्रांजैक्शन का रिस्पॉन्स मिलता है, और आपको जो स्टिमुलस भी पास होगा वो भी बहुत अच्छे लेवल पे पास होगा। तो इसमें क्या है, कोई ऑफर जो दोनों पार्टीज हैं वो कोई भी कमेंट या एक दूसरे को प्लीज करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं सजेशंस देकर, वो रियल फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं, बेटर डिसीजन लिया जाता है और दोनों पार्टीज अपनी अपनी पोजीशन पर स्टिक रहते हैं। तो बहुत कई बार क्या होता है, दोनों पार्टीज अगर अपनी पोजीशन पर स्टिक रहते हैं तो डिफिकल्ट हो जाता है फाइनल डिसीजन तक पहुंचना। कई बार इसने जो इस सिचुएशन बोली, ये कहता है कि मैं ठीक हूँ और ये बोलता है कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं ठीक हूँ। दोनों की एडल्ट ईगो स्टेट काम कर रही है, दोनों गलत नहीं है अपनी सिचुएशन में, लेकिन वहां डिसीजन नहीं हो पाएगा, अदरवाइज ये सबसे आइडियल सिचुएशन है। नेक्स्ट है आपका चाइल्ड पेरेंट ट्रांजैक्शन। चाइल्ड पेरेंट ट्रांजैक्शन में क्या है, मैनेजर जो है वो चाइल्ड ईगो स्टेट में है और जो आपका सबऑर्डिनेट है वो पेरेंट ईगो स्टेट में है। हो सकता है जो एक सबऑर्डिनेट आपके नीचे काम कर रहा है उसका बहुत लंबा एक्सपीरियंस रहा हो, बहुत टाइम से वो काम कर रहा हो, और जो मैनेजर है अभी वो नया नया आया हो, तो उस टाइम पे हो सकता है वो चाइल्ड ईगो स्टेट में हो और वो जो होगा आपका जो रिस्पॉन्डेंट या सबऑर्डिनेट जो होगा वो किस ईगो स्टेट में होगा, पेरेंट ईगो स्टेट में। इस सिचुएशन में ट्रांजैक्शन जो होगा वो बहुत ही आप खुद ही समझ सकते हैं, इंपॉर्टेंस जो होगी उसमें रोल ऑफ सबऑर्डिनेट की ज्यादा कंसीडर की जाएगी, क्योंकि एक मैनेजर जो है वो अपने सबऑर्डिनेट के बिना हेल्पलेस है। अभी नया नया आया, उसे काम का नहीं पता, लेकिन जो सबऑर्डिनेट है वो बहुत पुराने टाइम से है और उसको सारे काम का पूरा तो बहुत अच्छे से पता है, तो वो इसकी हेल्प के बिना कोई काम नहीं कर सकता। तो ये सिचुएशन में मैनेजर बहुत ज्यादा उसके बिना हेल्पलेस फील करता है, और वैसे ये ट्रांजैक्शन बहुत ही कम देखा जाता है। यूजुअली अगर एक मैनेजर अगर इस लेवल पे आ भी रहा है तो चाइल्ड ईगो स्टेट में नहीं आएगा, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो के वो यहाँ पे पहुंचेगा, तभी वो इतने बड़े बड़े लोगों को गाइड कर सकता है। इसे नेक्स्ट आता है आपका चाइल्ड ट्रांजैक्शन। चाइल्ड ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है, दोनों ही चाइल्डिशली रिएक्ट करते हैं। ये वाला जो एक सेटिस्फेक्शन लेवल होता है इसमें बहुत लंबा नहीं होता। आप सोचो दोनों सेटिस्फाइड तो हैं क्योंकि उसने भी बचकानी हरकत की, इसने भी बचकाना जवाब दिया, आपस में सेटिस्फाइड है क्योंकि दोनों एक दूसरे की मत से सहमत हो रहे हैं, लेकिन ये इनइफेक्टिव है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है। इसके बाद आता है आपका क्रॉस ट्रांजैक्शन। क्रॉस ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आता है, बेसिकली क्रॉस ट्रांजैक्शन के अंदर आता है, इसमें एब्सेंस होता है, पैरेलल ट्रांजैक्शन नहीं होता। जैसे आपने जो आपने स्टिमुलस पास किया था उसके मुताबिक आप रिस्पॉन्स सोच रहे थे, रिस्पॉन्स किसी और लेवल पर आया, तो पेरेंट चाइल्ड वर्सेज अडल्ट ट्रांजैक्शन इसके अंदर होगा। आपने सोचा था पेरेंट टू चाइल्ड जा रहा आपका स्टिमुलस, और जो आपका ट्रांजैक्शन का आउटकम निकला दैट इज अडल्ट। इस क्रॉस्ड ट्रांजैक्शन के अंदर मैनेजर खुद पेरेंट ईगो स्टेट में है और एड्रेस कर रहा है अपने सबऑर्डिनेट को, उसका आइडिया है कि जो रिस्पॉन्स मिलेगा दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड ईगो स्टेट, लेकिन हुआ क्या, उसका बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। जो सबऑर्डिनेट होता है वो रिस्पॉन्स करता है अडल्ट ईगो स्टेट में, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड। तो ये ट्रांजैक्शन जो है ये इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, अब जब इन्होंने रिस्पॉन्स दिया था, मैनेजर ने सॉरी स्टिमुलस दिया था, तो उन्होंने रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट किया था चाइल्ड ईगो स्टेट से, लेकिन आया कहाँ से, एडल्ट ईगो स्टेट से, तो ये ट्रांजैक्शन बेसिकली एक्सपेक्टेड नहीं था। इसके बाद आता है चाइल्ड पेरेंट वर्सेस चाइल्ड पेरेंट ट्रांजैक्शन। चाइल्ड पेरेंट क्यों है यहाँ पे, चाइल्ड पेरेंट इसलिए क्योंकि यहाँ से जो स्टिमुलस पास हुआ है वो हुआ था कि मैनेजर जो है वो सोच रहा है कि मैं एक चाइल्ड ईगो स्टेट में हूँ और जो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा वो किस रिस्पॉन्स से आएगा, पेरेंट ईगो स्टेट से। उसी मुताबिक सबऑर्डिनेट कहता है मैं क्यों इतनी पेन लूं, अच्छा है ना मैं भी बचकानी सा वो दे देता हूँ रिस्पॉन्स, और उसको लगता है कि जो हमारा मैनेजर है वो समझदार है, उसको समझ आ जाना चाहिए। अब इस केस में भी देखो क्रॉस आपका हो रहा है, क्रॉस हो रहा है, तो इसको क्रॉस ट्रांजैक्शन बोलते हैं।
इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं, दोनों पार्टीज अपने रिस्पांस को एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन भी बहुत अच्छा ट्रांजैक्शन नहीं कंसीव किया जाता, यहाँ मिसकम्युनिकेशन के और उसके चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसके बाद आता है लास्ट ट्रांजैक्शन, जिसको बोलते हैं अल्टीरियर। अल्टीरियर ट्रांजैक्शन के अंदर क्या आता है, आपका एक पार्टी एड्रेस कर रही है दूसरी पार्टीज को, और विच इज हैपन टू बी इन द टू ईगो स्टेट। इसका रिजल्ट क्या होगा, ऑपोजिट रिजल्ट आएगा लाइक द क्रॉस ट्रांजेक्शन। जैसे यहाँ पे हम जो रिस्पांस एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके मुताबिक रिस्पांस नहीं आ रहा था, क्रॉस रह रहा था, इसके अंदर भी कह रहे हैं क्रॉस ट्रांजेक्शन का तरह ही ऑपोजिट रिजल्ट रहेगा। ट्रांजेक्शन जो है वो दो लेवल पे होगा, पहला होगा सोशल लेवल पे और दूसरा होगा आपका साइकोलॉजिकल लेवल पे। सोशल लेवल पे जो होगा वो बहुत ही ट्रांसपेरेंट रहेगा, लेकिन साइकोलॉजिकल लेवल पे जो होता है वो बहुत ही सीक्रेट रहता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंड क्रॉस ट्रांजेक्शन हैपन टू बी ट्रांजेक्शन इन द सोशल लेवल। अगर हम सोशल लेवल के बारे में बात करें जो कि खुला ओपनली आ रहा है, वो किस कौन से आएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री और क्रॉस। लेकिन अगर हम तीसरे लेवल की बात करें, जब आप सोशल लेवल पे ट्रांजेक्शन करते हो आर ट्रांसपेरेंट वाइल साइकोलॉजिकल ट्रांजेक्शन सीक्रेट रहता है। अब इसमें साइकोलॉजिकल ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है, इसमें जो ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सोशल लेवल पे हो रहा है। अल्टीरियर ट्रांजेक्शन जो होता है वो दोनों ही सोशल और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल पे होता है। एक फेस जो है उसका वो बिल्कुल एक फेसेट जो रहेगा वो ट्रांसपेरेंट रहेगा और दूसरा फेसेट जो है वो सीक्रेट रहेगा। तो इस ये इंडिकेटर होता है बेसिकली डिसऑनेस्टी का, आप मन में कुछ और हो, ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और, ये वो वाला सिस्टम रहता है इसके अंदर। जैसे एक शॉपकीपर ने कस्टमर को बोला कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है बहुत हाई क्वालिटी का है और आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। शॉपकीपर यहाँ एड्रेस कर रहा है कस्टमर को इन टू इको स्टेट। एक तो वो बोल रहा है, उसको जो एक्सप्लेन कर रहा है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ पेरेंट इको स्टेट, क्योंकि उसको समझा रहा है कि आप यूजफुल फॉर ओनली वेल्दी पीपल, मतलब ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, एक आम बंदा इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो उसकी दो ईगो स्टेट को बेसिकली कहीं ना कहीं, अब इसके अंदर वो दोनों ईगोस कैसे काम कर रही हैं वो देखना। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो दो चीज़ें बता रहा है कस्टमर को। पहली चीज़ उसने बताई, ये बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट है और ये बहुत ही यूजफुल है वेल्दी पीपल के लिए। तो इसमें दो ईगो स्टेट कैसे हर्ट हुई उसकी, या दो ईगो स्टेट पे कैसे काम हुआ। सोशल लेवल के बारे में अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले उसने उसको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी। तो वो क्या है, जो इन्फॉर्मेशन वो दे रहा है दैट इज ऑफ उसकी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, भी बहुत अच्छी क्वालिटी का ये प्रोडक्ट है, तो वो उसकी एडल्ट ईगो स्टेट को एड्रेस कर रहा है। लेकिन उसने साइकोलॉजिकल लेवल पे कैसे अफेक्ट किया, कस्टमर को ये बता के कि ये जो प्रोडक्ट है ना ये तेरी रीच में नहीं है, ये उससे कस्टमर की चाइल्ड ईगो स्टेट को एड्रेस कर रहा है। इसके अंदर ये एक हिडन फेस है शॉपकीपर का, इसको इंडिकेट किया हुआ है इनमें ऐसे, जब वो उसको गाइड कर रहा है तो वो एज अ पेरेंट गाइड कर रहा है, लेकिन उसके बाद जो उसको हर्ट कर रहा है वो उसकी ईगो को हर्ट कर रहा है। तो यहाँ दो लेवल पे काम होता है। यहाँ तक आपको अगर समझ आ गया हो तो कल का हमारा टॉपिक है लाइफ पोजिशंस। ये लाइफ पोजिशन कोशिश करूंगी कि आपका जल्द से सिलेबस कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम लोग रिवीजन पार्ट के लिए, मुझे नहीं पता आपको टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि साथ साथ रिवीजन अपनी करते रहिए। स्टे एट होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।